विशेष अदालत के फैसले के बाद अदालत से बाहर निकलते वक्त असीम आनंद के चेहरे पर राहत का भाव दिखा। कोर्ट ने इस केस में 3 को दोषी ठहराया है जबकि 5 को बरी कर दिया है। विशेष कोर्ट ने सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए गए सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। दोषियों को हत्या और हत्या के प्रयास से बरी कर दिया गया है, लेकिन धार्मिक भावनाएं आहत करने और आपराधिक षड्यंत्र और विस्फोटक अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है। का देहांत हो चुका है, बाकी देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को दोषी माना है। उनको सेक्शन 120B रेड विथ 295 और एक्सप्लोसिव एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अपराधों के संबंध में दोषी माना गया है। सजा के बिंदु पर 16 तारीख को सुनवाई होगी। अदालत ने बरी किए गए आरोपियों को 50,000 रुपए की 2 जमानतें और 1,00,000 रुपए का मुचलका पेश करने को कहा है। मामले में नामजद सुरेश नायर, संदीप डांगे, रामचंद्र कलसांगरा व अमित उर्फ हल्का प्रिय अब भी फरार है। असीम आनंद का नाम सामने आने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। यूपीए गवर्नमेंट और कांग्रेस की सरकार इस देश में तब साजिश कर रही थी कि वो हर अटैक को भगवा आतंक से जोड़ दे। जो योजना बनाई वो सब उनकी योजना फेल हुई है। अदालत का निर्णय आया है और अभी इसकी बहुत से पक्ष आने बाकी। देखिए, न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए और न्यायालय के निर्णय पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। इसने इस बात को साबित कर दिया है कि हिंदू आतंकवाद एक षड्यंत्र था जिसमें यूपीए, सोनिया जी और सरकार शामिल थी। हिंदू आतंकवाद के नाम की कोई चीज नहीं थी, उसे स्थापित करने की कोशिश की जा रही। आतंकवाद का कोई रंग नहीं है, आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है, और कोई कितना भी बड़ा हो, किसी संगठन से जुड़ा हो, अगर इस देश में गलत काम होंगे, निर्दोष लोगों की जान ली जाएगी, आतंकी की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, तो उसके खिलाफ हमारे देश में हमारी कानून और हमारी न्यायपालिका उसके खिलाफ काम करेंगी, यह साबित हुआ है। अदालत 16 मार्च को सजा का ऐलान करेगी। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 11 अक्टूबर 2007 की शाम रोजा इफ्तार के समय बम विस्फोट हुआ था। इसमें 3 लोग मारे गए थे जबकि 30 घायल हुए थे। मामले की जांच अप्रैल 2011 को एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए ने इस केस में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।